Good morning, everyone. Good morning and welcome to the session. So continuing our discussion from where we left in the last class, right? तो आपको याद होगा लास्ट क्लास में हम लोग बात कर रहे थे बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ स्लोप, राइट? तो हम लोगों ने ये देखा था कि जो एक स्ट्रेट लाइन होती है तो स्ट्रेट लाइन की स्लोप जो होती है वो कॉन्स्टेंट होती है, ठीक है? अब स्लोप निकालने के हमने दो तरीके देखे थे. वी विल स्टार्ट विद दैट, ठीक है? अगर आपको याद है, नोट्स देखिए अपना. स्लोप निकालने के हमने दो तरीके देखे थे. व्हाट वर द मेथड? तो मैंने आपको बोला था कि स्लोप अगर निकालना है तो स्लोप जो है वो दो तरीके से निकलेगा. एक होता है टैन ऑफ थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन. कल मैंने एक्सप्लेन किया था, क्विकली इसको थोड़ा सा रिकैप करता हूं. वेयर थीटा इज एंगल ऑफ इंक्लिनेशन. क्या ये समझ में आया सबको? एवरीवन, वेयर थीटा इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन. और दूसरा जो था स्लोप निकालने का तरीका वो था वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन. Remember, this was the second method of finding slope. Clarity hai? This was the second method of finding slope where x1 comma y1 and x2 comma y2 are two points on the straight line. ये हम जानते हैं, ठीक है? ये स्लोप निकालने का मेथड हम जानते हैं. कल हमने एक और इंपॉर्टेंट बात पढ़ी कि अगर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है तो ग्राफिकली इसको हमें रिप्रेजेंट करना है विद अ स्ट्रेट लाइन. तो हमें, मैंने ये बोला कि ये फ्लिप फ्लॉप करना हमें आना चाहिए. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि बहुत से क्वेश्चंस ग्राफ के एनालिसिस के ऊपर होते हैं. तो यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस थिंग वेरी वेल, ठीक है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो होता है उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं स्ट्रेट लाइन ग्राफिकली, ठीक है? ग्राफिकली स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट होगा. और स्ट्रेट लाइन अगर दिया हुआ है तो हमारे दिमाग में चलना चाहिए कि उसको हम लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ एलजेब्रिक या एलजेब्रिकली, उसको हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में लिख सकते हैं, ठीक है? ये दोनों चीजें हमें करनी आनी चाहिए. लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है तो स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट होता है, और अगर स्ट्रेट लाइन है तो उसको एलजेब्रिकली हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीनियर? लीनियर मतलब जो भी वेरिएबल्स इन्वॉल्व है उस इक्वेशन में, उन सभी वेरिएबल्स की डिग्री वन होगी. मैंने कल बताया था, ये याद है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीनियर? Linear means all variables in equation have degree one. Degree one मतलब उसकी जो highest power है वो one होनी चाहिए. You remember it? ये बताया था मैंने. तो ये चीज हम लोग कल कर चुके थे, right? So अब देखो, मैंने वहां पे लास्ट क्लास में एक स्टेटमेंट दिया था, इफ यू रिमेम्बर दिस. ये पूरा बेसिक चल रहा है, और अभी जो चल रहा है ये एप्लीकेशन है डिफरेंशिएशन का, ठीक है? तो आपको अच्छे से समझना है. देखो, सपोज इफ आई टेल यू y इज इक्वल टू 3x प्लस 4, तो जैसे ही आप ये इक्वेशन देखोगे, सुने ध्यान से, जैसे आप ये इक्वेशन देखोगे आप बोलोगे y की पावर 1 है, x की पावर 1 है. मतलब ये क्या है? ये लीनियर इक्वेशन है. आपने आइडेंटिफाई कर लिया ये लीनियर इक्वेशन है. इसका मतलब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि अगर मैं इसे, इसका एक ग्राफ बनाना चाहूं तो ये ग्राफ कैसा ग्राफ होगा? ये ग्राफ कैसा ग्राफ होगा? दिस इज वाई, यहाँ पे वाई है, यहाँ पे एक्स है. ये ग्राफ कैसा ग्राफ होगा? दिस विल बी अ स्ट्रेट लाइन. दिस विल बी अ स्ट्रेट लाइन. अब यहाँ पे मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा, कुछ बेसिक चीजें जो हमें रिवाइज करनी है रिलेटेड टू इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, जो आपने स्टैंडर्ड 10th लेवल में की होगी. यू रिमेंबर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के कितने फॉर्म्स आपने देखे थे? यू रिमेंबर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के कितने फॉर्म्स थे? एक फॉर्म था वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जिसको हम लोग बोलते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म. याद है आपको? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, अलग अलग यू नो इक्वेशंस होते हैं, राइट? डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ राइटिंग द लीनियर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन. यू रिमेंबर, क्या आपको याद आ रहा है? आपने पढ़ा था ये. रेस्पॉन्ड प्लीज, चुप रहोगे तो नहीं चलेगा. क्या आपको याद है लीनियर इक्वेशन के, सॉरी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के डिफरेंट फॉर्म्स थे, राइट? जैसे पॉइंट स्लोप फॉर्म, टू पॉइंट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ये पढ़ा था क्या?
थोड़ा बताना पड़ेगा। आईसीएसई बोर्ड में इसको डिटेल में पढ़ाया गया है, सीबीएसई और स्टेट बोर्ड में आपने इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के डिफरेंट फॉर्म्स पढ़े थे क्या? थोड़ा बताओ। नो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं बताता हूँ आपको, इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ठीक है ना। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ग्राफ के रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना। आइए, तो मैंने एक बात जो समझाई आपको कि अगर y इक्वल टू 3x प्लस 4 है तो आपको समझ में आया कि एक लीनियर इक्वेशन है। अच्छा, एक लीनियर इक्वेशन है मतलब इसका जो ग्राफ होगा वो ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। मैंने यहाँ पे लिखा है, इस चीज को देख के समझना चाहिए कि लीनियर इक्वेशन में टू वेरिएबल है तो इट्स अ स्ट्रेट लाइन। व्हाई आई एम सेइंग टू वेरिएबल, बिकॉज देयर आर टू वेरिएबल्स y एंड x, ठीक है, दोनों वेरिएबल है, दोनों वेरी कर रहे हैं, इसलिए इट्स अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। व्हाई इट इज लीनियर, बिकॉज y की डिग्री और x की डिग्री दोनों क्या है, दोनों वन है। y की डिग्री और x की डिग्री दोनों क्या है, दोनों वन है, इसलिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब ध्यान से सुनो, देर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। छोटा सा एक डिस्कशन है, मैं करवा देता हूं, ये जरूरी है समझना। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। पहला जो फॉर्म है इसको हम लोग बोलते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। प्लीज ट्राई टू बी ऑन टाइम गाइज। देखो, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हम लोग पढ़ रहे हैं। कल मैंने आपको बताया था, मैं क्विकली ये प्रीवियस पेज में जा रहा हूँ फॉर दोज हु हैव जॉइंड नाउ ओनली। मैंने आपको बताया था स्लोप को निकालने के क्या क्या मेथड है, आपको कल ये याद है। मैंने आपको एक चीज समझाई थी कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है तो उसको हम लोग स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं ग्राफिकली, और अगर कोई स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है तो, या फिर कोई स्ट्रेट लाइन बना हुआ है ग्राफ में, तो हम समझ सकते हैं कि उसको एल्जेब्रिकली अगर हम लिखें, एल्जेब्रिकली मीन्स इन टर्म्स ऑफ वाई एंड एक्स विच आर वेरिएबल्स, तो हमें क्या मिलेगा, एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल मिलेगा। क्या यहाँ तक बातें समझ में आ गई थी आपको? लीनियर हम क्यों बोलते हैं, लीनियर हम इसलिए बोलते हैं कि इस इक्वेशन में जो भी वेरिएबल्स हैं उनकी जो डिग्री है वो क्या है, वो वन है, इसीलिए हम उसे क्या बोलते हैं, उसे लीनियर बोलते हैं। जैसे यहाँ पे एक इक्वेशन दिखाई गई है y इक्वल टू 3x प्लस 4, अगर आप देखोगे y की पावर 1 है, x की पावर 1 है, तो ये क्या है, ये लीनियर इक्वेशन है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, ये कौन सी इक्वेशन है, ये लीनियर इक्वेशन है। और किसी भी लीनियर इक्वेशन को अगर हम प्लॉट करें या ग्राफ बनाए उसका तो वो एक स्ट्रेट लाइन होगा। यहां तक मैंने बताया था, यहीं तक मैंने रिकैप करवाया है, आगे बढ़ते हैं। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन को लिखने के या रिप्रेजेंट करने के डिफरेंट फॉर्म्स हैं। पहला जो फॉर्म है वो है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ये फॉर्म इस तरीके से लिखा जाता है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जहां पे m को कहते हैं हम स्लोप, जो हम पहले बात कर चुके हैं, ये tan थीटा होता है या y2 minus y1 by x2 minus x1 होता है, ये स्लोप को m से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, आपने पढ़ा होगा ये y इक्वल टू mx प्लस c, जहां पे m क्या है, स्लोप, एंड व्हाट इज c, c इज द इंटरसेप्ट, c इज द इंटरसेप्ट, c इज द इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। इंटरसेप्ट मतलब क्या होता है, इंटरसेप्ट मतलब होता है, सुनो ध्यान से, छोटी सी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सुनो ध्यान से, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट मतलब देखो, सपोज हमने ऐसा एक स्ट्रेट लाइन बनाया, तो ये स्ट्रेट लाइन वाई एक्सिस को जहां पे कट कर रहा है फ्रॉम ओरिजिन, ये कहलाएगा इंटरसेप्ट। ये स्ट्रेट लाइन y एक्सिस को जहां पे कट कर रहा है, ठीक है, ओरिजिन से लेके उस पॉइंट तक की दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरसेप्ट। अब समझने वाली बात यह है कि ये जो इंटरसेप्ट है, इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी जीरो, कुछ भी हो सकता है ये इंटरसेप्ट। कैसे, देखो ये जो इंटरसेप्ट है यहां पे, ये इंटरसेप्ट पॉजिटिव है। अगर मैं ऐसे बनाऊं इंटरसेप्ट, सुनो ध्यान से, सपोज मैं इस लाइन को ऐसे एक्सटेंड कर देता हूं, ये मेरा वाई एक्सिस है, माइनस वाई एक्सिस, सपोज मैं लाइन ऐसे बनाता हूं, यहां पे अगर मैं देखूं
तो मेरा जो सी है ये ओरिजिन से नीचे है, तो यहाँ पे सी क्या हो जाएगा, इट विल बी नेगेटिव। और तीसरा जो लाइन है वो मैं आपको बताता हूँ, देखो फील करो। तीसरा जो लाइन है, तीसरा लाइन में ऐसे बनाता हूँ, यहाँ पे अगर आप सी देखोगे इस लाइन के लिए सी जीरो है, बिकॉज इट इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन। समझ में आ रही है बात? तो सी पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकती है। सी क्या है, सी है इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस। इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस मतलब वाई एक्सिस को किस पॉइंट पे कट कर रही है, तो ओरिजिन से उस पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है दैट विल बी नोन एज इंटरसेप्ट, और इंटरसेप्ट कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो। क्या बात समझ आई है? इंटरसेप्ट कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो। क्या क्लैरिटी है एवरीवन? पक्का 100% बोलो। पहला फॉर्म क्लियर हुआ, दिस इज नोन एज द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, ये सबसे बेसिक फॉर्म है, वन ऑफ द मोस्ट बेसिक फॉर्म। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, सीबीएसई और स्टेट बोर्ड वाले स्पेशल ध्यान दें इस कॉन्सेप्ट के ऊपर, डिस्कशन के ऊपर। ठीक है, दूसरा है पॉइंट स्लोप फॉर्म, दूसरा है पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अच्छा, पॉइंट स्लोप फॉर्म एज द नेम इज सजेस्टिंग, यू विल हैव एन आइडिया अबाउट द पॉइंट, अबाउट वन ऑफ द पॉइंट थ्रू विच द स्ट्रेट लाइन इज पासिंग, एंड यू नो द स्लोप, एंड फ्रॉम दीज टू इंफॉर्मेशन यू नीड टू राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। फिर से सुनो, आपको पॉइंट पता है जिससे स्ट्रेट लाइन गुजर रही है, और आपको उस स्ट्रेट लाइन की स्लोप पता है, और फिर ये दोनों चीजें पता है, और आपको स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखनी है। ठीक है, यहां पे क्या क्या पता था? यहां पे पता था कि आपकी स्लोप क्या है और आपका इंटरसेप्ट क्या है। इंटरसेप्ट मतलब मैंने आपको बताया, तो ये दो चीजें पता थी, दीज आर द टू थिंग्स विच आर अवेलेबल, ए एंड बी, और इनकी मदद से आपने इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लिखा। ये वाला पार्ट स्लोप था, ये वाला पार्ट इंटरसेप्ट था। यस और नो? क्लैरिटी है ये? क्या बात समझ में आ रही है? अब पॉइंट पता है और स्लोप पता है। पॉइंट मतलब जिससे लाइन गुजर रही है वो पॉइंट पता है, और स्लोप पता है। अब जो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होती है वो कैसी होती है, ध्यान से देखो। इट विल बी ऑफ दिस टाइप, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इनटू x माइनस x1, वेयर m जो है ये स्लोप है, एंड x1 कॉमा y1 इज द पॉइंट थ्रू विच लाइन इज पासिंग। बहुत आसान है, जितना मैं ये बता रहा हूँ उतना कॉन्सेप्ट होना चाहिए। अब तुम बोलोगे कि सर ये कॉन्सेप्ट क्यों जरूरी है? ये कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको बहुत बार आपको रिलेशनशिप, स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप मिलते हैं, तो आपको इक्वेशन मतलब आपको ग्राफ देख के इक्वेशन लिखने की जरूरत हो सकती है। ये देखो, यहाँ पे जो मैंने आपको समझाया है कि आपको ग्राफ दे दिया जाएगा और ग्राफ की मदद से आपको एल्जेब्रिकली इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, तो ग्राफ की मदद से जब आप इक्वेशन लिखने की कोशिश करोगे तो यू वुड रिक्वायर ऑल दीज डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन टू राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। समझ में आ रही बात? तो ये काम भी आपको करना आना चाहिए। चमका की नहीं बोलो, डिड यू अंडरस्टैंड इट? दैट्स व्हाई वी आर स्टडिंग इट। कभी भी कुछ भी पढ़ने से पहले हमेशा अपने आपसे पूछना कि हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि जब तक आप वो नहीं समझोगे तब तक आपको लिंक समझ नहीं आएगा, एंड यू विल नॉट बी एबल टू अप्रिशिएट इट। और जब अप्रिशिएट किसी चीज को नहीं कर पाते हो तो वहां से डिसइंटरेस्ट उस सब्जेक्ट में स्टार्ट हो जाता है, तो ये नहीं होना चाहिए। इसीलिए ये, अब फिर से बताता हूँ, फिजिक्स का लैंग्वेज मैथ्स है, मैथ्स से डरे नहीं, जितना मैं बता रहा हूँ उतना अच्छे से करें। ठीक है, अच्छे से करें, मैं अच्छे से कॉन्सेप्ट देता हूँ। मैथ्स मेरा बहुत अच्छा है, लेकिन मैं मैथ्स नहीं पढ़ाता हूँ, ये अलग बात है। ठीक है, बट आई नो मैथ्स, सो नॉट वरी, आई विल टेक यू थ्रू द जर्नी वेरी वेल। जस्ट जितना करने के लिए बोलूं उतना कर लो अच्छे से। फिर से बोल रहा हूँ, पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म मतलब क्या, आपको एक पॉइंट पता रहेगी और आपको स्लोप पता रहेगी स्ट्रेट लाइन की, और आपको इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लिखनी है। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको विजुअलाइज करो। मतलब जैसे सर ने अभी बोला कि आपको ग्राफ पता है, ग्राफ देखने के बाद आपने किस पॉइंट से स्ट्रेट लाइन गुजर रही है वो पता है, और उस स्ट्रेट लाइन का स्लोप पता है, और आपको उसका इक्वेशन बताना है। तो इस चीज को हम ग्राफिकली कैसे समझेंगे, मैं बता रहा हूं आपको, देखो फील आएगी आपको। क्या सब कुछ कंट्रोल में है अभी तक?
समझ में आ रहा है? कोई भी बच्चा जो नया आ रहा है उसको हमेशा कुछ ना कुछ रिकॉर्डिंग्स भेजे जाते हैं एज अ रूल, वो देख के आए, अदरवाइज कुछ भी समझ नहीं आएगा, है ना? आपको लगेगा सर क्या बोल रहे हैं। देखो सपोज मैंने एक स्ट्रेट लाइन ऐसे लिया, ऐसा एक स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है मान लो, ठीक है। अब इस स्ट्रेट लाइन, ये ग्राफ दिया हुआ, ये वाई है, ये एक्स है, फील करना, ये ग्राफ दिया हुआ है। अब आपका आस्क क्या है, आपको ग्राफ दे दिया गया है, मतलब आपको ग्राफिकली पता है स्ट्रेट लाइन कैसा है, इसका इक्वेशन लिखना है आपको। तो इसका इक्वेशन लिखोगे, मान लो ये दे दिया गया है कि ये थीटा एंगल जो बना रहा है, ये दे दिया गया है, क्या ये थीटा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है? कल पढ़ाया था, बोलो क्या ये थीटा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है? कल पढ़ाया था, बोलो 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 बोलो, क्या ये थीटा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है? हाँ। तो अगर ये थीटा, आपको पता है, क्या आप स्लोप निकाल सकते हो? ग्राफ से, ग्राफ में आपको थीटा दिया हुआ है, क्या आप ये स्लोप निकाल सकते हो? एवरीवन, क्या आप ये स्लोप निकाल सकते हो? एवरीवन, बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। तो थीटा अगर दिया हुआ है, वी विल बी एबल टू फाइंड आउट टैन थीटा। टैन थीटा निकाल लेंगे तो यही स्लोप है एम, ठीक है। सो दिस इज नोन टू अस, ठीक है। दूसरा, ये स्ट्रेट लाइन एक पॉइंट से गुजर रही है, उस पॉइंट की कोऑर्डिनेट दी हुई है x1, y1, ये दे दिया गया है, ये स्ट्रेट लाइन एक पॉइंट से गुजर रही है, उस पॉइंट की कोऑर्डिनेट आपको दे दी गई है, x1, y1 से ये गुजर रही है, उस पॉइंट की कोऑर्डिनेट आपको दे दी गई है। तो अगर उस पॉइंट की कोऑर्डिनेट आपको दे दी गई है, तो क्या आप इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिख सकते हो? तो यहाँ पे समझो, ग्राफ पता है, इक्वेशन लिखना है, तो कैसे लिखोगे? ये वाला फॉर्मेट यूज करोगे, y-y1, y का कोऑर्डिनेट जिससे गुजर रहा है, इस कोऑर्डिनेट का y कोऑर्डिनेट, या दो कोऑर्डिनेट से बनते हैं, x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट से एक पूरा कोऑर्डिनेट बनता है, तो y में से y कोऑर्डिनेट हटाओ, इक्वल टू m, m इज स्लोप, वो आपने निकाल लिया है, इनटू x-x1। सो दिस इज व्हाट द पॉइंट स्लोप फॉर्म इज ऑल अबाउट। तो वी आर टॉकिंग अबाउट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। पहला फॉर्म है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, y इक्वल टू mx प्लस c, ये फॉर्मेट है, जहां पे m क्या है? स्लोप, ठीक है, और c क्या है? इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। समझने वाली बात है कि why we are doing this? हम ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें फिजिक्स के डिफरेंट प्रॉब्लम्स में दो चीजें पूछी जाएंगी, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दे दी जाएंगी और ग्राफ खींचना पड़ेगा। उल्टा भी करने की जरूरत हो सकती है कि ग्राफ दे दी जाए और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हमें बनाने की जरूरत हो सकती है। तो ये दोनों काम हो सकते हैं। तो ये दोनों काम करने के लिए हमें इस छोटी सी चीज की नॉलेज होनी चाहिए कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन किस फॉर्मेट में लिखते हैं। सो आई होप आई हैव मेड जस्टिस टू दिस। इसको कॉपी करें क्विकली, कोई भी क्वेश्चन है तो अभी पूछे, कॉपी करें, कोई भी क्वेश्चन है तो अभी पूछे। आई विल टेक क्वेश्चंस नाउ, एनीवन हैविंग एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क जल्दी, फास्ट, क्विकली। एनीवन हैविंग एनी क्वेश्चंस प्लीज फील फ्री टू आस्क। इफ यू डू नॉट हैव एनी आई विल मूव अहेड। बढ़ू आगे? प्लीज बी ऑन टाइम गाइस। सर इज दिस चैप्टर फ्रॉम एनसीईआरटी बुक? नहीं बेटा, एनसीईआरटी बुक में, सुनो सुनो, देखो फिजिक्स बिना मैथ्स के आप कर नहीं सकते हो, ये मैथ्स के कुछ टॉपिक्स चल रहे हैं, इसके बाद ही आपकी रियल फिजिक्स स्टार्ट होगी। तो ये जो चीजें मैं पढ़ा रहा हूँ, ये आपको एनसीईआरटी बुक में नहीं मिलेंगी, ये दसवीं तक जो मैथ्स है उसको आप कंसोलिडेट कर रहे हो, इसके बाद ही आप फिजिक्स सीख सकते हो, ठीक है। अदरवाइज आप फिजिक्स करने जाओगे आपको ये सब चीजें समझ नहीं आएंगी, ठीक है। सो प्लीज हैव सम पेशेंस, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इसके बाद ही आप फिजिक्स कर पाओगे, ठीक है। समझ में आई बात? एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में ये कहीं पे भी नहीं है, ये जो चीजें मैं बता रहा हूँ इसके बिना आप फिजिक्स नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो एनसीईआरटी बुक में नहीं है, तो इसका नोट्स प्रॉपरली लें। आई होप यू हैव नोटेड इट डाउन, राइट? आ जाओ नेक्स्ट देखो। जो थर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जो फॉर्म है उसे हम लोग बोलते हैं टू पॉइंट फॉर्म। टू पॉइंट फॉर्म एज द नेम सजेस्ट, व्हाट वी नो नाउ, हमें पता है टू पॉइंट्स थ्रू विच स्ट्रेट लाइन इज पासिंग, थ्रू विच स्ट्रेट लाइन इज पासिंग।
ठीक है, मतलब अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो इसका ग्राफ मैं कुछ इस प्रकार बना रहा हूं, देखो फील कर, समझना इस चीज को। देखो ध्यान से, सपोज मैं ऐसा एक स्ट्रेट लाइन ले रहा हूं, समझो इस चीज को अच्छे से, आपको क्लैरिटी आएगी। सपोज इफ आई से दैट दिस स्ट्रेट लाइन इज पासिंग थ्रू वन पॉइंट व्हिच इज एक्स वन वाई वन एंड अदर पॉइंट व्हिच इज एक्स टू वाई टू, तो मुझे ये दो कोऑर्डिनेट्स पता हैं जिसके थ्रू ये स्ट्रेट लाइन गुजर रही है और मुझे इसका इक्वेशन चाहिए, तो वो इक्वेशन आएगा टू पॉइंट फॉर्म से। और टू पॉइंट फॉर्म क्या बोलता है सुने ध्यान से, टू पॉइंट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इज दिस, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वन, और यहां पे हम स्लोप लिखेंगे। अब मैं चाहता हूं आपसे थोड़ा सा आइडिया, इसका स्लोप कैसे लिख सकते हैं, इसका स्लोप नहीं दिया हुआ है डायरेक्ट, बट दो पॉइंट जिसके थ्रू ये स्ट्रेट लाइन गुजर रही है वो दोनों पॉइंट्स प्रोवाइडेड हैं, तो क्या आप स्लोप निकाल सकते हो, तो क्या आप स्लोप निकाल सकते हो, तो क्या आप स्लोप निकाल सकते हो, क्या चमका है? हाँ सर, स्लोप क्या होगा, वाई टू माइनस वाई वन बाई एक्स टू माइनस एक्स वन। क्या मेरी बात समझ में आई है, क्या मेरी बात समझ में आई है? अब बच्चा मेरे को यहाँ पे बोलता है कि सर आपने जो पॉइंट लिया वो आपने एक्स वन वाई वन से पॉइंट गुजर रही है ये माना है, तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता क्या? क्या ओपिनियन है आपका, क्या वो ऐसे नहीं लिख सकते इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन? पहले यहां यहां पे पहुंचने से पहले एक और बेसिक बात, कि क्या आपको टू पॉइंट फॉर्म समझ में आया, क्या आपको टू पॉइंट फॉर्म समझ में आया? टू पॉइंट फॉर्म मतलब टू पॉइंट से स्ट्रेट लाइन गुजर रही है, ठीक है, सिर्फ टू पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स पता है, ग्राफ में टू पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स पता है, ठीक है, ठीक है, तो ये दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता है, एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू, ये पता है, इससे स्ट्रेट लाइन गुजर रही है, तो बताओ टू पॉइंट फॉर्म बताओ कैसे कैसे इक्वेशन स्ट्रेट लाइन लिखोगे? तो वाई माइनस वाई वन, जब याद करो, जब ये एक पॉइंट और स्लोप पता था, जो पॉइंट पता था वही पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स आप वाई में से वाई कोऑर्डिनेट और एक्स में से एक्स कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट कर रहे थे। अब सवाल है कि यहाँ पे दो कोऑर्डिनेट पता है, तो बच्चा पूछता है सर कौन से कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट करें? किसी को भी करो, किसी को भी करो, मतलब ये जो आपने लिखा है सर, इससे क्या इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन सेम आएगी? अगर मैं एक्स वन वाई वन को सब्ट्रैक्ट करता हूँ कोऑर्डिनेट, जैसे कि यहाँ पे किया है, या फिर मैं एक्स टू वाई टू को सब्ट्रैक्ट करता हूँ फ्रॉम वाई एंड एक्स रेस्पेक्टिवली, सो सॉरी, वाई से वाई कोऑर्डिनेट और एक्स से एक्स कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो क्या दोनों से इक्वेशन सेम आएगी? थोड़ा सा अजीब नहीं लग रहा है? यहाँ पे वाई वन है, यहाँ पे एक्स वन है, यहाँ पे वाई टू है, यहाँ पे एक्स टू है, यहाँ पे तो सेम है दोनों, स्लोप तो सेम है, लेकिन यहाँ पे वाई टू एक्स टू आ गया, यहाँ पे वाई वन एक्स वन आ गया, क्या ये दोनों सेम होंगे? बोलो भाई, क्या ये दोनों सेम होंगे? यस मे बी, मे बी नहीं, दे हैव टू बी सेम। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, ये दोनों पक्का सेम होंगे 100%, मे बी का स्कोप ही नहीं है, मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहीं पे बच्चे का कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाता है, इसलिए मैं इसका एक एग्जांपल लूंगा सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट। सपोज ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट है 2,3, ये डायग्राम से लूंगा, और ये पॉइंट है सपोज आई से 4,2, लेट अस से दिस, ठीक है, हम इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लिखेंगे, लिखते हैं, तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन अगर इस फॉर्मेट में लिखेंगे, ये एक्स वन वाई वन इज 2,3, तो मैं क्या लिखूंगा, देखो वाई माइनस वाई वन, इसका वाई कोऑर्डिनेट कितना है, 3, इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वन, एक्स वन क्या लूंगा 2, ठीक है, ठीक है, और स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा वाई टू माइनस वाई वन, दैट इज 3 माइनस 2 अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई टू माइनस इज 2 माइनस 3, सॉरी मैंने गड़बड़ कर दी, 2 माइनस 3 एंड 4 माइनस 2। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग एवरीवन, दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग,
एवरीवन, तो इसकी वैल्यू क्या आई, ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जो आएगी ये क्या आएगी, देखो y माइनस थ्री इज इक्वल टू 2 माइनस 3 बाई 4 माइनस 2, 2 माइनस 3 इज माइनस 1, 4 माइनस 2 इज 2, इज इट माइनस 1 बाई 2 इनटू x माइनस 2, ठीक है? इसको तुम सिंपलीफाई कर लो, तो सिंपलीफाई करोगे तो ये ऐसे आएगा, देखो 2y माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस x प्लस 2, तो इट विल बी लाइक 2y प्लस x, ठीक है, 2y प्लस x माइनस 8 इक्वल टू 0, This is what is your equation of straight line. ये मिला मुझे equation of straight line. अभी कोई बच्चा बोलेगा दूसरा करते हैं, चलो करके देखते हैं y minus, अभी हमने क्या किया था x1 y1 use किया था coordinate, अभी इसको use करते हैं y minus 2 is equal to x minus 4 और यहाँ पे फिर से हम 2 minus 3 by 4 minus 2 लिखेंगे. Simplify करेंगे तो क्या आएगा, देखो y minus 2 is equal to 2 minus 3 by 4 minus 2 is minus half into x minus 4. Cross multiply karo. 2y minus 4 is equal to minus x plus 4. Agar aap dhyan se ye sab cheezo ko ek side le jao sare variable ko, you are again getting 2y plus x minus 8 equal to 0. Kya ye dono same hai? Iska matlab kisi bhi coordinate ko use karo, kuch farak nahi padta hai, aapko answer same aane wala hai. Kya meri baat samajh aayi hai? यही पॉइंट मुझे प्रूफ करना था, क्योंकि बच्चा एक दिन के बाद आके पूछता है सर यहाँ पे y1 यहाँ पे y2 मुझे तो इक्वेशन अलग लग रहा है सर, बट इक्वेशन अलग नहीं है, जब आप सिंपलीफाई करते हो तो आपको सेम इक्वेशन मिलता है. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? दिस इज द टू पॉइंट फॉर्म, क्या क्लैरिटी है ये? इसके बाद एक लास्ट फॉर्म आता है जिसे हम लोग बोलते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म. क्या ये समझ में आया सबको? डिड यू अंडरस्टैंड दिस इलस्ट्रेशन? कि मैं इन दोनों कोऑर्डिनेट्स जो प्रोवाइडेड हैं, जो स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं, इनमें से किसी भी एक को यूज कर लूं फॉर दैट y1 x1 वाला पार्ट, किसी भी एक कोऑर्डिनेट को यूज करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझे मेरा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन सेम मिलता है. क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई? इसे नोट करो फास्ट क्विकली. एनी क्वेश्चंस इफ यू हैव यू कैन आस्क मी नाउ फास्ट. क्लियर है ये? ओके डन, समझ में आई बात एवरीवन? समझ में आई बात? अब देखो इसमें एक और फॉर्म होता है, ये समझना बहुत जरूरी होता है, बहुत काम का है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है. कैसे, मैं आपको समझाऊंगा. इसे हम लोग बोलते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन. इंटरसेप्ट फॉर्म जब मैं बोल रहा हूं इसका मतलब ये है, सुनो, कि अभी हमें दोनों इंटरसेप्ट पता होंगे. वी नो द एक्स इंटरसेप्ट एंड वी नो द वाई इंटरसेप्ट ऑफ अ स्ट्रेट लाइन. बस हमें यही पता है और कुछ नहीं पता है. सिर्फ हमें एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट पता है और हमें कुछ भी नहीं पता, और हमें इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लिखनी है. तो जो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आती है, मैं पहले वो लिख देता हूं, फिर मैं इसका ग्राफ भी समझा दूंगा. एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी इज इक्वल टू 1, जहां पे ए है एक्स इंटरसेप्ट और जहां पे बी है वाई इंटरसेप्ट. अब ये इंटरसेप्ट क्या है, एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट, थोड़ा समझते हैं इसको. देखिए सपोज मेरा स्ट्रेट लाइन ऐसे, मैंने ऐसे लिया स्ट्रेट लाइन, ठीक है? अब फील करना, ये जो है ये स्ट्रेट लाइन जहां पे वाई एक्सिस को कट कर रहा है, ये जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं वाई इंटरसेप्ट, अभी बताया था. और यहाँ पे जो x एक्सिस को जहां पे कट करता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं x इंटरसेप्ट. क्या ये समझ में आई बात सबको एवरीवन? तो x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट ही सिर्फ पता है और कुछ नहीं पता है. कहां से स्ट्रेट लाइन गुजर रहा है, कोई एक कोऑर्डिनेट पता है क्या, क्या स्लोप पता है, कुछ भी नहीं पता है, सिर्फ इंटरसेप्ट पता है और कुछ नहीं पता है. तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या, कैसे निकालेंगे? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विल बी x बाय a प्लस y बाय b इक्वल टू, मतलब x के नीचे ये जो a है दिस इज x इंटरसेप्ट. फील करो, x के नीचे x डिवाइडेड बाय x इंटरसेप्ट, y डिवाइडेड बाय y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 1. दिस इज व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन. समझ में आई बात? दिस इज व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन. अब मैं यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखता हूं जो कि आपको सीखना है. इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है यहां पे कि
क्विक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन हूज इक्वेशन इज प्रोवाइडेड वी विल यूज दिस फॉर्म. दिस मतलब लिख देता हूं, वी विल यूज इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन. मैं आपको इसका एग्जाम्पल देता हूं, आपको क्लैरिटी आएगी. सपोज ये वाला एग्जाम्पल ले लो, सपोज 2y प्लस एक्स माइनस 8, ये इक्वेशन है मेरे पास. सुनो ध्यान से, सपोज मैंने एग्जाम्पल आपको दिया 2y प्लस एक्स माइनस 8 इक्वल टू 0. अब मैंने बोला कि इसका ग्राफ कैसे होगा, बोलो. सुनना ध्यान से, आस्क सुनना. इक्वेशन दिया हुआ है, ग्राफ निकालना है. याद है मैंने आपको बोला था यही आपको सीखना है. ये देखो, इक्वेशन दिया हुआ है, ग्राफ निकालना है. ये इक्वेशन है और ये ग्राफ है. इक्वेशन दिया है, ग्राफ निकालना है, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. ग्राफ दिया हुआ, इक्वेशन निकालना है, एल्जेब्रिकली इक्वेशन निकालना पड़ेगा. इस ग्राफिकली, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जब है तो मैंने आपको क्या सिखाया, यहाँ पे मैं इसको अपडेट करूंगा. इसके लिए आपको इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के बारे में यूज करना है. इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इसको यूज करना है टू गेट योर आंसर फास्ट. और एल्जेब्रिकली जब आप रिप्रेजेंट करोगे तो यू हैव टू यूज ऑल द फोर फॉर्म्स, एनी ऑफ द फोर फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन. ये आपको यूज करना पड़ेगा टू गेट योर रिक्वायरमेंट. क्या रिक्वायरमेंट है? इक्वेशन दिया हुआ है, ग्राफ खींचना है. ग्राफ दिया हुआ, इक्वेशन खींचना है. देखो ये चीज समझो, बिकॉज ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना. अब होता क्या है ना, होता क्या है मैं बता रहा हूँ आपको, होता ये है कि इसकी समझ अगर नहीं है ना तो आप उसको मैथमेटिकली सोच ही नहीं सकते. और फिजिक्स के अंदर इतना बेसिक स्टैंडर्ड 10th का मैथ्स घुसा हुआ होता है, आप इसको सेपरेट कर ही नहीं सकते, ठीक है ना. तो आपको ये समझना जरूरी है, सबसे पहले ये समझना पड़ेगा. अच्छा, तो मुझे ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है, मुझे सबसे पहले इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा. कन्वर्ट टू, स्टेप समझना, कन्वर्ट टू इंटरसेप्ट फॉर्म. बस हो गया मेरा काम. कन्वर्ट टू इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म में मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा. द फर्स्ट स्टेप, इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस फॉर्मेट को, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के फॉर्मेट को इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है. तो मैं क्या करूंगा, सुनना ध्यान से. मैं 2y प्लस x को एक साइड में रखूंगा और 8 को दूसरे साइड में ले जाऊंगा, फिर मैं दोनों साइड 8 से डिवाइड कर दूंगा. जब मैं ऐसा करूंगा तो क्या मुझे मिलेगा, y by 4, सब लोग देखें, प्लस x by 8 इक्वल टू 1. क्या अब ये इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया? x by a प्लस y by b इक्वल टू 1, एवरीवन प्लीज. नो आइडिया. क्या ये इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया? देखो अब मुझे थोड़ा सा रिस्पॉन्स चाहिए, क्योंकि ये जो चीज है ये बहुत बड़ा चीज बता रहा हूं मैं आपको, एक बहुत ही सिंपल सी चीज है, बट ये नॉलेज होना चाहिए बच्चे को. क्योंकि बच्चा जब बच्चे को जब इक्वेशन दे दिया जाता है, उसे ग्राफ खींचने के लिए बोला जाता है ना, वो अभी भी स्टैंडर्ड 5th 6th के लेवल का सोचता है. वो क्या करता है, x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू कितनी होगी, x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू कितनी होगी, और फिर वो दोनों पॉइंट को एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करता है और फिर इक्वेशन स्ट्रेट लाइन निकालता है. क्या इतना करने का आपके पास समय है एग्जाम हॉल में? बिल्कुल नहीं. तो आपको ऐसे सोचना है कि कोई भी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है, खट से उसे किस फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे, किस फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे थोड़ा बोलना पड़ेगा, किस फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे थोड़ा बोलना पड़ेगा. इंटरसेप्ट फॉर्म, आर यू अंडरस्टैंडिंग? किस फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे, बोलो यार, किस फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे? इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे. कन्वर्ट करेंगे मतलब वही इक्वेशन रहेगा, सिर्फ उसको इस फॉर्मेट में ले आएंगे, बस x by a plus y by b equal to 1. एक बार इस फॉर्मेट में आ गया तो क्या मेरा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालना केक वॉक है. क्योंकि हमें समझ में आ गया कि ये जो 4 है ये है y इंटरसेप्ट, और ये जो 8 है ये है x इंटरसेप्ट, और इनके साइंस क्या है, इनके साइंस है प्लस. मतलब मेरा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, मुझे पता चल गया कि मेरा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ऐसा होने वाला है. देखो ध्यान से कि मेरा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ऐसे गुजरेगा कि ये y में इंटरसेप्ट करेगा 4 और x में इंटरसेप्ट करेगा 8. तो मेरा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होगा ये. क्या बात समझ आई है?
ऐसा, क्या क्लैरिटी है, क्या क्लैरिटी है। तो एक ये मतलब विद इन सेकेंड्स आप ये प्लॉट बना सकते हो। लेकिन अगर आप वो ट्रूथ टेबल वाला फॉर्मेट देखो जो आप बचपन से करते आते थे कि एक्स की वैल्यू इतना रखेंगे, 0, वाई की वैल्यू क्या आई, एक्स की वैल्यू 2, एटलीस्ट यू रिक्वायर 2 पॉइंट्स, उतना करने का आपके पास समय नहीं होता। फिर उनको कोऑर्डिनेट में रखो कहाँ पे होगा, फिर ज्वाइन करो इक्वेशन लाओ, उतना करने का समय नहीं होता। खट से कोई भी इक्वेशन दिया होगा उसको इंटरसेप्ट फॉर्म में बदलेंगे। तो ग्राफ बनाने का ये सबसे आसान तरीका है। मैं यहाँ पे हिंदी में लिखता हूँ इंपॉर्टेंट बोल के, सब लोग ध्यान से इसे लिखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये। ग्राफ हिंदी में लिखें ताकि ये उभर के आए और आपको बोले कि मुझे पढ़ो। ग्राफ बनाने का सबसे आसान तरीका ग्राफ ऑफ स्ट्रेट लाइन बनाने का सबसे आसान तरीका है इंटरसेप्ट फॉर्म। इसे आपको हाईलाइट करना है ताकि ये ये बार बार आपको बोल रहा है कि मुझे पढ़ लो, हिंदी में लिखा हुआ है, ठीक है ना। प्लीज नोट इट डाउन, विल मूव अहेड फास्ट। ठीक है, समझ में आई बात, समझ में आई बात, सबने लिख लिया है, डन। जल्दी गाइस फास्ट, सबने लिख लिया है, डन। क्या समझ में आया? ओके ओके ओके, लिख लो लिख लो लिख लो फास्ट। डन, क्या सबको समझ में आया? एवरीवन, आई होप यू अंडरस्टूड इट, राइट? आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। अभी देखो, अभी देखो, मैंने आपको इसका रीजन भी बताया है कि क्यों क्यों हम जो कर रहे हैं वो जरूरी है। देखो, मैंने इसका रीजन आपको समझाया। रीजन ये है कि हमें एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दे दी जाएगी और हमें इसको ग्राफिकली समझना पड़ेगा। रिक्वायरमेंट आती है, आपको पूछा जाता है कि इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स में इसका ग्राफ कैसे होगा, बिटवीन दी सेंटेंस क्वेश्चन आते हैं। तो आपको समझ में आना चाहिए कि कोई भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल अगर है तो उसका ग्राफ मुझे कैसे बनाना है। तो मैंने आपको बोल दिया है कि आसान क्या है, सबसे आसान तरीका क्या है, कि अगर लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है और आपको ग्राफ बनाना है, ग्राफ बनाने का सबसे आसान तरीका और ग्राफ ऑफ स्ट्रेट लाइन है इंटरसेप्ट फॉर्म। कोई भी इक्वेशन दिया होगा उसको इंटरसेप्ट फॉर्म में बदल दो और खट से आंसर ले आओ कि इसका ग्राफ कैसे दिखाओ। ओरली कर सकते हो तो इंटरसेप्ट फॉर्म में लाने के लिए करोगे क्या, वाई और एक्स वाले जो टर्म रहेंगे उनको इक्वेशन के एक साइड में रखना है और जो कॉन्स्टेंट टर्म है उसको इक्वेशन के दूसरे साइड में ले जाना है, फिर दोनों साइड को कॉन्स्टेंट से डिवाइड कर देना जो भी कॉन्स्टेंट आ रही है। बस इतना ही किया है हमने। क्या बात समझ में आई है? व्हाट इज द इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करोगे, क्या बात समझ में आई? यार रिस्पांस नहीं देते हो तुम लोग, क्या क्लैरिटी है ये? डिड यू अंडरस्टैंड दिस? ये स्टैंडर्ड 10th लेवल की बातें चल रही है बॉस, है ना। इसमें मुझे थोड़ा सा ना फास्ट रिस्पॉन्स चाहिए। आप लोग सबके 95-96% आ जाएंगे, लेकिन क्या फायदा अगर आप अप्लाई करना नहीं जानते हो। क्या क्लैरिटी है ये? डिड यू अंडरस्टैंड इट? गुड, अब सुनो मेरी बात ध्यान से। अब यहाँ पे मैंने एक स्टेटमेंट आपको पहले भी लिखाया था, अभी भी बोल रहा हूँ, सुनो। हमने ये जो पढ़ा है इसका फिजिक्स में एप्लीकेशन कैसे होता है उसको फील करो। देखो, सबसे पहली बात मैं आपको 2-3 चीजें लिखाता हूँ, क्या आप ये रिकॉग्नाइज कर रहे हो, इसको समझो, इंपॉर्टेंट। इन फिजिक्स वाई एंड एक्स रिप्रेजेंट्स और कैन रिप्रेजेंट डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। क्या मतलब समझ नहीं आया? मतलब क्या बोले आप, क्या मतलब है इसका? देखो देखो, मैं आपको एक इक्वेशन लिखाता हूं, समझ में आएगा आपको। वी इज इक्वल टू U प्लस AT, ध्यान से देखो, V इज इक्वल टू यू प्लस AT। क्या आपको ये इक्वेशन आपने देखा है, पक्का देखा है स्टैंडर्ड 9th में, याद है आपको? V इज इक्वल टू यू प्लस AT, स्टैंडर्ड 9th में आपने इस इक्वेशन को देखा होगा, जहां पे V क्या है, फाइनल वेलोसिटी, U क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, A क्या है, एक्सेलरेशन, T क्या है, टाइम, देखा है आपने, आपको याद भी है, राइट? अच्छा, मैं आपको क्या बोल रहा हूं,
आप इसको प्लॉट करें या फिर इसका ग्राफ कैसा होगा। ठीक है, अगर मैं वेलोसिटी को रखूं वाई एक्सिस में और टाइम को रखूं यहां पर, अब आप ये समझो कि वेलोसिटी को आप रख रहे हो वाई एक्सिस में और आपने एक्स एक्सिस में टाइम को रखा है, तो जो मैंने पहली बात बोली है वो समझे कि इन फिजिक्स वाई एंड एक्स रिप्रेजेंट और कैन रिप्रेजेंट डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। तो देखो यहाँ पे डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज हुई, एक्स की जगह पे मैंने टाइम रखा है और वाई की जगह पे मैंने वेलोसिटी रखा है। क्या बात समझ में आ रही है? एक्स की जगह पे मैंने टाइम रखा है और वाई की जगह पे मैंने वेलोसिटी रखा है, तो आई एम रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज, राइट? क्या ये बात समझ में आई है? आई एम रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज इन एक्स एंड वाई, ठीक है, इन वाई एंड एक्स एक्सेस। तो वाई एक्सेस में मैंने वेलोसिटी रखा है, एक्स एक्सेस में मैंने टाइम रखा है। क्या बात समझ में आई है? वाई एक्सेस में वेलोसिटी रखा है, एक्स एक्सेस में टाइम रखा है, तो इसका ग्राफ प्लॉट करना है। इसका ग्राफ कैसे प्लॉट करूं? ठीक है, अब सुनो, इसका ग्राफ यहाँ पे ये जो वी है यही वेरी कर रहा है, ये वेरी कर रहा है, समझो इस चीज को। दिस इज अ वेरिएबल। यू क्या है? यू इज नॉट अ वेरिएबल, इट्स अ कांस्टेंट। इसको हमने फिक्स कर दिया, इट्स अ कांस्टेंट। कैसे 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 कांस्टेंट कैसे? अरे इनिशियल वेलोसिटी कुछ भी हो सकती है ना, मान लो 2 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, 0 मीटर पर सेकंड, कुछ भी, लेकिन जो भी वैल्यू है इनिशियल वेलोसिटी की वो तो फिक्स हो गई, वो तो चेंज नहीं होगी। ठीक है, टी जो है ये चेंज होगा, दिस इज अ वेरिएबल, और ए जो है ये कांस्टेंट है। अब इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, क्या आप इसको वी वी वेरिएबल है तो ये वाई है, ठीक है, ये कांस्टेंट है, सम वैल्यू, सम कांस्टेंट सी सी बोल रहा हूं मैं, प्लस ये टी की जगह पे एक्स है, और ये जो ए है ये एक और कांस्टेंट है, ये सी वन है मान लो, ये सी टू है, ऐसा लिख देता हूं। इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, ये क्या इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है? ये क्या इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है? सब लोग बोलो, क्या ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है? सब लोग बोलो, ये कौन सा फॉर्मेट है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का? बोलो, क्या ये पहला फॉर्मेट है जो हमने देखा था, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी? क्या आपको समझ में आ रही है? जो पार्ट मल्टीप्लाइड है x के साथ, दैट इज गिविंग अस द स्लोप, और जो अलग से कॉन्स्टेंट है प्लस के साथ जुड़ के आ रहा है वो हमें दे रहा है इंटरसेप्ट। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है बात? मतलब v इक्वल टू यू प्लस एटी में आपको समझ में आ जाएगा कि अगर मैं y एक्सिस में वेलोसिटी लूं और x एक्सिस में टाइम लूं, तो ये वाला ग्राफ जो आएगा, इस ग्राफ का जो स्लोप होगा वो मुझे एक्सेलरेशन दे रहा है। क्या आपने ये पढ़ा है कि स्लोप ऑफ अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन? पक्का पढ़ा होगा 9th में, याद है आपको? लेकिन वो चीज आपको समझ में आने के लिए आपको ये इक्वेशन को ग्राफ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इक्वेशन दिया हुआ है, ग्राफ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि v इक्वल टू यू प्लस एटी में कौन वेरिएबल है, कौन कांस्टेंट है। तो v वेरिएबल है बिकॉज v इज द वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, व्हिच इज चेंजिंग ऑलवेज विद टाइम। तो आप y एक्सिस में v रख रहे हो या फाइनल वेलोसिटी रख रहे हो और x एक्सिस में टाइम रख रहे हो, तो इसका जो ग्राफ होगा, इसका ग्राफ आप प्लॉट करोगे तो यू विल गेट समथिंग लाइक दिस। कैसा होगा? समथिंग लाइक दिस। ध्यान से देखो, आपको समझ आएगी। समथिंग लाइक दिस, ये ग्राफ हुआ आपका। क्या क्लियरिटी आई? क्या क्लियर हुआ? क्या क्लियर हुआ? क्या एग्जाम्पल समझ में आया? क्या एग्जाम्पल समझ में आया? एवरीवन थोड़ा फास्ट, क्या ये क्लियर हुआ? फिर से सोचो सोचो सोचो। y इक्वल टू सी वन प्लस सी टू एक्स। देखो देखो, मैंने आपको क्या बोला? मैंने आपको बोला कि फिजिक्स में ये जो आप इक्वेशन पढ़ रहे हो, फिजिक्स में इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में y और x की जगह पे डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज हो सकते हैं। क्या आपके दिमाग में ये सेट हुआ? क्या आपके दिमाग में ये सेट हुआ? फिर से बोल रहा हूँ, y और x जो आपने पढ़ा था, ठीक है, ये मैथ्स में पढ़ा था, कोई दिक्कत नहीं है, मैथ्स में आपने पढ़ा था, मैंने आपको पहले मैथ्स ही बताया, फिर मैंने आपको ये बोला
कि वाई और एक्स में आपके डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज हो सकते हैं। क्या बात समझ में आई ये बात? अब मैं आपको एक इक्वेशन दे रहा हूँ जो आपने 9th लेवल में पढ़ी थी, ठीक है? थोड़ा इवॉल्व हो बेटा, इवॉल्व हो, थोड़ा सोचना, अपना होराइजन को इंक्रीज करो, क्योंकि ये सब चीजें आपको 9th में नहीं बताई जा सकती, राइट? तो उसमें आपको उतना ब्रेन आपका डेवलप नहीं होता। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, v इज इक्वल टू u प्लस 8, ठीक है? और मैं ये इक्वेशन, मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि इस इक्वेशन को आप प्लॉट करो ग्राफ में। तो सबसे पहले तो आपको समझ में आना चाहिए कि मैथमेटिकली हमारे पास y और x एक्सिस होता है। अब अगर मैं इस इक्वेशन को, जो फिजिक्स का इक्वेशन है, इसको अगर मुझे ग्राफ में प्लॉट करना है, तो ऑब्वियस सी बात है मेरा y एक्सिस में एक कोई पर्टिकुलर वेरिएबल होगा और x एक्सिस में एक पर्टिकुलर वेरिएबल होगा। अब मैं v इज इक्वल टू u प्लस 80 में कौन वेरिएबल, कौन कॉन्स्टेंट है, ये निकालने की कोशिश कर रहा हूं। क्या v वेरिएबल है? मैंने लिखा है वहां पे वेरी वेरिएबल है। क्या u कॉन्स्टेंट है? u के ऊपर दिक्कत होती है बच्चों को, मैं समझाता हूं। देखो u फिक्स होगा किसी भी गिवन सिचुएशन के लिए। आप इधर स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट हो सकते हो या फिर स्टार्टेड विद सम इनिशियल वेलोसिटी हो सकता है, लेकिन जो भी वेलोसिटी है वो चेंज नहीं होगी, उस सवाल के लिए वो फिक्स हो गई। तो u कांस्टेंट, इनिशियल वेलोसिटी इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। t जो है, t वेरिएबल है। अब v और t वेरिएबल है, तो v को रखा हमने y एक्सिस में और t को रखा हमने x एक्सिस में। अब इसमें भी एक फंडा है, आपको पता है, आपको ये याद होगा कि आपको ये सिखाया जाता है कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं वो हमेशा x एक्सिस में प्लॉट करो। क्या आपको याद है ऐसा बताया गया आपको कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसको हमेशा x एक्सिस में रखो और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको y एक्सिस में रखो। दिस इज अ थंब रूल। तो क्या इंडिपेंडेंट वेरिएबल है? टाइम। टाइम किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, कोई चले ना चले, रेस्ट में रहे, टाइम तो चलता रहेगा। तो टाइम अगर चल रहा है आगे, तो टाइम इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, टाइम किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। टाइम इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल और वेलोसिटी जो है वो टाइम के ऊपर डिपेंड हो रही है, फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी को मैंने प्लॉट किया वाई एक्सिस में, वाई एक्सिस की जगह पर वेलोसिटी रखा और एक्सिस की जगह पर टाइम रखा और मैंने इस ग्राफ को प्लॉट किया। तो इस ग्राफ का जो स्लोप है, क्या वो हमें एक्सेलरेशन दे रहा है? क्योंकि इसको मैं y इक्वल टू mx प्लस c फॉर्मेट में रखूं, तो ये c, क्या ये हमें स्लोप दे रहा है? c2। और c2 क्या है? x की जगह पे t है, तो t के साथ क्या लगा हुआ है? एक्सेलरेशन। तो क्या वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है, क्या वो हमें एक्सेलरेशन देगा? दैट इज व्हाट इज द फंडा। इसीलिए आपको बोला जाता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप आपको एक्सेलरेशन देता है। तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप है, क्योंकि इस फॉर्मेट को जब आपने इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के डिफरेंट फॉर्म्स में बदला, तो आपने देखा कि mx plus c में जो m आ रहा है वो बेसिकली a है। ये c2 को मैं ऐसा लिख देता हूं, ये मेरा स्लोप है, ठीक है, ये मेरा स्लोप है। तो m आ रहा है a के बराबर। क्या ये y इक्वल टू mx plus c फॉर्मेट है, जो पहला फॉर्मेट मैंने पढ़ाया था, याद करो, क्लियर है ये? तो ये पहला फॉर्मेट है, तो क्या इस फॉर्मेट में हम ले आ रहे हैं? इसका मतलब एक्सेलरेशन इज द स्लोप ऑफ दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। इसको जब हमने y एक्सिस में लिया, y और x एक्सिस में प्लॉट किया, क्या मेरी बात समझ में आई है? क्या क्लैरिटी है ये? ऐसे बहुत से इक्वेशंस आपको मिलेंगे, वी विल सी हाउ वी कैन कन्वर्ट दोज इक्वेशंस इनटू यू नो दिस पर्टिकुलर फॉर्मेट, वी विल सी दैट। बट इसमें आपने क्या सीखा, देखो इसको रटो मत। आपके दिमाग में सेट क्या होना चाहिए कि फिजिक्स में y और x एक्सिस में अलग अलग वेरिएबल हो सकते हैं भाई, तो अकॉर्डिंगली मैं वेरिएबल्स वहां पे रखूंगा, और अगर मैं वेरिएबल रखता हूं तो मुझे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन मिल सकता है, अगर वो वेरिएबल्स लीनियर रिलेशनशिप फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पे v का पावर कितना है बेटा? 1। t का पावर कितना है बेटा? 1। मतलब समझ में आ गया कि इसको अगर प्लॉट करते हैं y x एक्सिस में, x y एक्सिस में, जहां पे y एक्सिस में वेलोसिटी को रखा है, x एक्सिस में टाइम को रखा है, तो इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन, इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। क्या बात समझ में आई है? इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। क्या बात समझ में आई है? क्लैरिटी है? बोलो, क्लियर है? ये सब जरूरत पड़ेगा, थोड़ा फास्ट प्लीज। क्लियर है ये? सबको क्लियर है? पक्का 100%? कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन नहीं है? पक्का, गारंटीड? समझ में आई बात? ठीक है, अच्छा अब सुनो, मैं आपको समझाता हूं। देखो मुझे एक बात बताओ, सुनना। अब मैं इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट लिखाता हूं, मैंने पहले भी लिखाया था कि इन फिजिक्स मोस्ट ऑफ द टाइम
अच्छा एक सेकेंड, उससे पहले मैं एक स्टेटमेंट लिखाता हूं ताकि आप इस चीज को अप्रिशिएट कर पाओ। इफ रिलेशनशिप अमॉन्गस्ट, ये मैंने पहले भी लिखाया है, और बिटवीन वेरिएबल्स वुड हैव बीन लीनियर, याद है ये मैंने पहले भी लिखाया है, देन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वुड हैव बीन एनफ, लिखना ये तभी आपको इसकी फील आएगी, वुड हैव बीन एनफ टू फाइंड स्लोप्स, बट अनफॉर्चुनेटली मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप amongst or between variables are non-linear, ठीक है। मतलब देखो, अगर जो भी variables, physics में जो भी variables की आप study कर रहे हो, दो variable involved है, अगर उन variable की degree one है, सुनना इस चीज को समझना, ठीक है ना, हड़बड़ी मत करो, सुनो और समझो, अगर इन variable कि डिग्रीज वन है तो खटाक से मेरे दिमाग में आ गया, वेरिएबल वन है मतलब ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, दो वेरिएबल है और सभी की डिग्री वन है तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, खट से ग्राफ उसका खींच लिया मैंने, कौन सा मेथड यूज करके, इंटरसेप्ट फॉर्म, इक्वेशन अगर दिया हुआ है और इक्वेशन को किस फॉर्मेट में बदलेंगे, इंटरसेप्ट फॉर्म में बदलेंगे, देख रहे हैं कि सबकी डिग्री वन है तो सबकी डिग्री वन है मतलब लीनियर रिलेशनशिप है, खट से उसका ग्राफ बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से ही मुझे उसका स्लोप लॉस सब मिल जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि फिजिक्स में जितने भी वेरिएबल्स के बीच के रिलेशनशिप होते हैं वो बेटा होते हैं नॉन लीनियर। अब फंस गया बंदा, वो क्या होता है, वो होता है नॉन लीनियर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है यार, आप इस ट्रांजिशन को समझ पा रहे हो क्या, टेंथ से इलेवेंथ के ट्रांजिशन को क्या फील कर पा रहे हो, आपको मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ, यू नीड टू अप्रिशिएट दिस, इफ यू डू नॉट, आप फिजिक्स सिर्फ रटोगे और रट के फिजिक्स में मार्क्स नहीं आएगा, मैं गारंटी दे रहा हूं आपको, गारंटी है मेरे से, मेरे से लिख लो तो ठीक है ना, नहीं आएगा मार्क्स जब तक आप समझोगे नहीं, क्योंकि नहीं समझ के क्वेश्चन घुमा देगा, थोड़ा सा क्वेश्चन ट्विस्ट कर देगा, आपका गलत हो जाएगा। इट इज नॉट स्टैटिक फैक्ट दैट यू आर रिमेम्बरिंग, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट यू नीड टू लर्न हाउ टू अप्लाई कॉन्सेप्ट्स, मैं बार बार बोल रहा हूँ, बहुत आसान है, जैसे पढ़ाता चल रहा हूँ वैसे फील करो। अब सोचो, दिमाग में सोचो कि अगर रिलेशनशिप नॉन लीनियर हो गया वेरिएबल के बीच में, तो नॉन लीनियर रिलेशनशिप अगर हुआ तो उस नॉन लीनियर रिलेशनशिप को अगर मुझे ग्राफ में प्लॉट करना है तो नॉन लीनियर रिलेशनशिप का ग्राफ कैसा होता है, एनी आइडिया? आपने क्या 10th लेवल तक के अपने नॉलेज में जितना भी मैथ्स पढ़ा है, क्या आपको नॉन लीनियर ग्राफ आपने कहीं पे भी देखा था या कहीं पे भी नॉन लीनियर इक्वेशन देखे थे जो लीनियर नहीं थे? कहां देखा था आपने, लेट मी सी, कहां देखा था, लेट मी सी, कितने लोग इससे अप्लाई कर पा रहे हो, कर्व बराबर है, कौन से चैप्टर में स्टैंडर्ड 10th लेवल में आपने नॉन लीनियर इक्वेशंस के साथ डील किया था, मतलब जहां पे रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स y एंड x ही समझो, बट y एंड x में जो डिग्री है वो वन नहीं है, दोनों की ज्यादा है, कहां देखा था आपने, कौन सा चैप्टर किया था आपने, एक चैप्टर किया था, मैं आपको याद दिला रहा हूँ, हिंट दे रहा हूँ, बताओ तो कौन सा चैप्टर था वो, लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन रिकॉल, लेट मी सी कितने लोगों को समझ में आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वेरी गुड, क्या चमका अभी, हाँ यार क्या बात बोले, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक चैप्टर था, याद करो स्टैंडर्ड 10th में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने पढ़ा था क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती थी y is equal to 2x square plus 3 plus something like this, it was y equal to x plus 3, ऐसे इक्वेशन आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक में देखे थे, तो क्वाड्रेटिक का अगर आप प्लॉट खींचने जाओ, y का डिग्री 1 है बट x का डिग्री 2 है, तो इसका अगर आप प्लॉट खींचने जाओ, समझो, अप्रिशिएट करो, तभी आपको समझ में आएगा कि बेटा डिफरेंशिएशन का रियल मतलब क्या है, क्यों आया बेटा ये सीन में, तभी फील आएगी आपको। अब इसके जो रिलेशनशिप है, क्या ये नॉन लीनियर, फील करना, हाँ, अब नॉन लीनियर रिलेशनशिप है तो इसका ग्राफ कैसा होगा, इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, इसका जो ग्राफ होगा, इसका ग्राफ कर्व होगा,
आपको याद होगा आपने एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में या फिर अपने बुक में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ग्राफ देखे थे। आपको याद होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ग्राफ किस टाइप से बनाए जाते थे, याद है आपको? कुछ याद नहीं है। याद है आपको इस टाइप के ग्राफ बनाए जाते थे, याद है आपको? इस टाइप के ग्राफ, ऐसा ग्राफ, ऐसा ग्राफ, इस टाइप के ग्राफ आपने क्वाड्रेटिक में देखे होंगे। देखे थे कि नहीं, बोलो? हाँ सर, याद आया, देखे थे ऐसे ग्राफ। अब सोचो कि ऐसे ग्राफ क्यों बने थे। यही फिजिक्स है। आपको मजा भी आएगा और आपको लगेगा वाह क्या चीज है, मतलब क्योंकि सब कुछ अब किया हुआ है ना आपको। देखो प्रॉब्लम क्या होता है ना फिजिक्स में, अगर हम डायरेक्टली प्रॉब्लम सॉल्विंग में चले गए विदाउट डूइंग दिस, तो सबसे पहले आपको 10th से 11th की ट्रांजिशन समझ में नहीं आती, और जहां वो हुआ आपको समझ में नहीं आने लगता कि क्या हो रहा है। और एक बार वो कंडीशन में आ गया फिर आपसे आंसर कभी मैच ही नहीं करता। आप कुछ भी तुक्का मार के आंसर मैच कराते हो और फिर आपके स्कोर्स जो हैं वो कभी भी स्टेबल नहीं हो पाते हैं, क्योंकि आप तुक्का मार रहे हो हर बार। तो ये समझना पहले जरूरी है। तो आप फील करो कि अगर ग्राफ के बीच का रिलेशनशिप नॉन लीनियर है, टाइम हो गया है, तो मेरा ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, मेरा ग्राफ क्या होगा? कर्व। अब कर्व अगर है, सुनो अब मजा आएगा, कर्व अगर है, ठीक है। मैं तुषार, आई विल कंटिन्यू डिस्कशन टुमारो, डू नॉट वरी, डू नॉट वरी। टुमारो तो नहीं, कल तो हमारा वेक्टर्स है। सर इक्वेशन एक बार समझाओ, साइन एक्स प्लस साइन ए इक्वल टू 2x, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। अभी टाइम हो गया बेटा, मैं कर लेता हूँ, ठीक है ना, कर लेता हूँ उस सवाल को, ठीक है। वेक्टर से पहले वो सवाल ले लूंगा, फिर आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। सो आई विल स्टॉप हियर टुडे। अब मैं आपको यहाँ पे कुछ सोचने के लिए बोल रहा हूँ, सुनो ध्यान से, मैं यहाँ पे कुछ आपको सोचने के लिए बोल रहा हूँ। क्या सोचने के लिए बोल रहा हूँ? फील करो। क्या सोचने के लिए बोल रहा हूँ? फील करो। अगर रिलेशनशिप नॉन लीनियर है तो स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप नहीं होगी, ठीक है। मतलब उसको जब आप प्लॉट करोगे ग्राफिकली तो वो स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी, वो बनेगी कर्व। अब कर्व अगर बना है तो कर्व का स्लोप क्या है? अगर मेरे पास एक कर्व है, अगर मैं तुमसे पूछूं इस कर्व का स्लोप बोलो, क्या होगा कर्व का स्लोप? ये पॉइंट के बारे में सोचो। टुमारो वी विल स्टार्ट विद दिस, और कल देखना आपको फील आएगी कि क्यों बेटा मुझे डीवाई बाई डी एक्स चाहिए। आपने इससे पहले डीवाई बाई डी एक्स करना सीखा, कैसे करते हैं, चेन रूल, ये रूल, इंप्लिसिट फंक्शन, डिफरेंशियल विद फंक्शन अदर देन एक्स, ये सब किया आपने, बहुत बढ़िया, आपको आ भी गया, यू आर कंफर्टेबल। लेकिन अब सोचो कि क्यों जरूरत पड़ी इसकी। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप मैंने यहाँ पे बोल दिया आपको, अगर रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स लीनियर होता ना बॉस, मान लो भगवान ने ऐसा सिस्टम बनाया होता कि सारे वेरिएबल्स के बीच का रिलेशनशिप लीनियर है, तो आपको कैलकुलस या डिफरेंशिएशन की जरूरत ही नहीं पड़ती, बिना डिफरेंशिएशन के सारा काम हो जाता। बट ऐसा नहीं है, इसीलिए न्यूटन ग्रेट है, क्योंकि न्यूटन ने सबसे पहले इस कैलकुलस को इजाद किया था। ही वॉज द पर्सन हु इन्वेंटेड कैलकुलस अलॉन्ग विद अनदर ग्रेट ऑफ हिज टाइम। His name was Leibniz. Have you heard about Leibniz? कभी सुना है Leibniz के बारे में? Leibniz. चलो कोई बात नहीं, कल बात करते हैं, ठीक है? Interesting, मजेदार है, मजेदार है चीजें। क्या आपको समझ आया? देखो आपको समझना पड़ेगा, ठीक है ना, रटो मत, समझो, ठीक है? It's very interesting, but you need to remember and understand it that way. चलो, bye, take care.